पूरी दुनिया में फैले हुए छोटे मोटे बड़े और पूजनीय मेरे दर्शक मित्रों को डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का जय गिरनारी। आज मैं आपको गिरनार यात्रा की शास्त्रोक्त विधि क्या थी वो बताने वाला हूँ। गिरनार पर चढ़ने की शास्त्रोक्त विधि आज के झड़पी और फास्ट युग में लोगों नियत विधि विधान भूल गए हैं और सिर्फ करने के लिए आया काम को ऐसे ही निपटा लेते हैं या यात्रा कर लेते हैं। आजकल मूल शास्त्रों के ज्ञाता कम लोग रहे हैं या जल्दी जल्दी या मंत्रों के अभाव से माहिती के अभाव से विधि विधान करते हैं, फिर फल प्राप्त नहीं होता तब कलयुग को दोष देते हैं। इसलिए शायद शिक्षितों में श्रद्धा कम होती जा रही है। गिरनार जी की यात्रा करने का नियत विधि विधान दिखाया गया है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं उसको ही यात्रा का फल मिलता है। यह सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि हम तो एक दर्जन बार गिरनार गए हैं तो क्या फल नहीं मिलेगा। आपने कुछ नियम को जरूर पालन किया होगा तो आपको अवश्य फल मिलेगा। गिरनार के ऊपर चढ़ने के लिए विधि विधान की बात नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था, तब ब्रह्मा जी ने यह शास्त्रोक्त विधि कही थी। ये मैं आपको आज कह रहा हूं। गिरनार की यात्रा के लिए बड़ा उत्सव के साथ पुत्र पुत्री और अपने ज्ञाति बंधु के साथ जाना चाहिए। गिरनार पर चढ़ते वक्त गीत वाद्य वेद घोष करते करते चढ़ना। जैसे जैसे आदमी गिरनार की ऊपर चढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे पाप से वो मुक्त होता जाएगा। गिरनार पर चढ़ते ही सबसे पहले पंचेश्वर महादेव आता है, उसका पूजन करना, उसमें 5 दोषों से मुक्ति मिलती है। पंचेश्वर महादेव से हाथी पगला या गजपद की जगह पर जाना, वहां ऐरावत हाथी ने जल निकाला था, उस जगह पर इंद्र ने गंगा जी को आह्वान करके रखा है। जो यात्रिक यहाँ का जल से स्नान और पान करेगा वह पाप से मुक्त होता है। यहाँ पिंडदान करने वाले के पितृ तृप्त होते हैं। यहाँ गया जी में श्राद्ध करते हैं उतना ही फल मिलता है। भीम कुंड में स्नान करके भीमेश्वर का पूजन करना, उस जगह पर भीम ने पाताल को फाड़ कर जल निकाला था, वहां स्नान करने से पाप मुक्ति होता है। गौमुखी गंगा की जगह में जाना, वहां स्नान करने से पाप मुक्ति मिलती है। यहां सुराक नामक बटुक भैरव है, उसका विधिवत पूजन करने से सर्व कामना पूर्ण होती है। यहां एक गवाक्ष में विष्णु के 24 अवतारों की पादुका है, उसका पूजन करना। गौमुखी गंगा को पाताल में से नागराज ने भेजी है, वहां दान करने से अनंत फल मिलता है और मानव को सद्बुद्धि मिलती है। वहां से अंबाजी जाना और माताजी की पूजा करना, वहां से गुरु दत्तात्रेय जी की पादुका की जगह पर जाना, वहां साक्षात विष्णु विराजमान है जिसका दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। गिरनार का यह उत्तम में उत्तम शिखर है जहां दत्त गुरु सकल सत्पुरुष का संताप हरने के लिए विराजमान है। दत्त गुरु के दर्शन की आकांक्षा रख के जो आदमी वस्त्रापत क्षेत्र में जाता है उसको डगले से डगले अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गिरनार ऊपर यात्री के
जरूर से ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि गिरनार के ऊपर मल मूत्रादि करने का निषेध किया गया है, क्योंकि उज्जयंत पर्वत साक्षात देव स्वरूप है, इसलिए मल मूत्रक यात्रिकों को रोकना चाहिए। यह सब नियम है और बातें नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताई थी। लेकिन आजकल मैं आपको गिरनार पर जाने के वक्त यह नियमों बताने चाहता हूं, उसका जितना पालन करोगे उतना गिरनार अच्छा रहेगा। रेडियो, वॉकमैन, टैप रिकॉर्डर, मोबाइल में गाना सुनते सुनते गिरनार पर मत जाना। रास्ते में फल झाड़ और पशु पक्षी को नुकसान मत करना। हर जगह पर सिर नहीं झुका सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की निंदा मत करना। गिरनार पर चढ़ते वक्त भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्र परिधान करना। किसी भी जगह या पेड़ पर अपना नाम, गांव और अपना पता लिखना नहीं। पुरातन स्मारकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना। पानी का गैर उपयोग नहीं करना। किसी भी किस्म की हिंसा नहीं करनी। चोरी करना नहीं। ब्रह्मचर्य पालन करके इंद्रियों को वश में रखना। शांत रहना। किसी के साथ ऊंचे आवाज से बात नहीं करनी। आप यात्रा करने के लिए आए हो तो अब सतयुग, द्वापर और त्रेता से आजकल कलयुग चल रहा है, उसी वक्त हमने जो यात्रा करने के लिए गिरनार जाने के जिसने सोचा है, वो गिरनार जो लोग जाते हैं उसको सतयुग के नियम तो शायद वो नहीं पाल सकेंगे। लेकिन आजकल जो मैंने पीछे नियम गिनाए वो आप गिरनार पर जाते वक्त जरूर उसका पालन करें, तब ही गिरनार और गिरनार की पवित्रता और गिरनार की निर्मलता, गिरनार की दक्षता और गिरनार का बड़ा महात्म्य रहेगा। वरना ये पिकनिक जैसा बन जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गिरनार सनातन धर्म संस्कृति का केंद्र है। गिरनार पर जाते वक्त हमारा मन, वचन, शरीर पूरी तरफ से निर्मल होना चाहिए और ऐसे ही हमें गिरनार की यात्रा करनी चाहिए।